नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय भीम। आपका इस विशेष एपिसोड में स्वागत है। हमारे साथ है खास मेहमान राजेश पाटिल, जो बोईसर विधानसभा से चुनकर आए। हाल ही में जो चुनाव हुए थे, इसमें राजेश पाटिल ने अच्छी जीत हासिल की और ये खास तौर पर बोईसर विधानसभा क्षेत्र ये सांसद की दिल्ली के सांसद की दहलीज तक पहुँचता हुआ रास्ता है, इसलिए इनके ऊपर खास जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए कि यहाँ से उनको जो लीड जो मिला था, जो युति के खासदार को मिला था, वो कम करना है। सर, किस तरह की जिम्मेदारी आप पे है और कैसे निभाएंगे आप? देखो, लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। लोगों के बीच में रह के वो काम करना है। पानी है, रास्ते है, हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर है, बहुत अच्छी तरह से काम करे। उन्होंने सब प्रोग्राम में, महानगर पालिका प्रोग्राम में सब काम रखे हैं और अभी मैं आ गया हूँ तो उनके साथ में और ताकत बढ़ेगी। और हमारे नेतृत्व तो भक्कम है, हितेंद्र ठाकुर, तो उनको तो कहना है कि तुम अभी चुन के दो, वहाँ का जितना भी बन सके अच्छा विकास तुम करो, जितना पैसा चाहिए यहाँ से ले लो, तुम लेके आओ। और हम लोग तीन नहीं, पाँच आमदार है पालघर में से महागाड़ी के, तो अभी हमारा भी ताकत बढ़ गए। तो DPTC है तो वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे, वहाँ भी अच्छा फंड्स आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ के लिए लाऊंगा। और जो क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। नए लोग हैं, हर प्रदेश से लोग यहाँ रहते हैं और उनको सुविधा तो चाहिए। बात है नेताओं की, बहुजन विकास आघाड़ी में दो चेहरा है जो हर बार कैनवेसिंग करते रहते हैं, एक राजू पाटिल है और एक हितेन ठाकुर MLA है। तो आपको नहीं लगता कि ग्रास रूट के और भी नेता तैयार होने, कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए? क्योंकि खामी एक ही है तुम्हारे में कि ग्रास रूट का कुछ नहीं कार्यकर्ता, तो ग्रास रूट को कैसा करेंगे? देखो, नेता तो वही है हमारे, बाकी हम तो कार्यकर्ता है और इतने कार्यकर्ता है बहुजन विकास आघाड़ी में, आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे। सब कार्यकर्ता ही है, तो नेता बनेंगे तो फिर काम कौन करेगा? तो नेता हो तो ही हमारे है, बाकी मैं हूँ, भले मैं आज आमदार हूँ लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ। कोई भी पार्टी मजबूत होती है ग्रास रूट कार्यकर्ता से, नेताओं से नहीं होती, तो आप ग्रास रूट के कार्यकर्ता कैसे मजबूत करेंगे? देखो, मैं खुद मजबूत हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और क्या चाहिए आपको? तो मेरे साथ में जितने भी जुड़े, बोले तो नगर सभा के सभापति है, हमारे वार्ड के अध्यक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी के, वो सब ग्रास रूट के कार्यकर्ता है। तो आपको किसने बोला नेता? नेता तो दो ही है, बाकी हम कार्यकर्ता हैं। सर, अभी ऐसा है कि तो आपका जो बहुल इलाका है वो आदिवासी बहुल इलाका है, और पिछले हमने ऐसा देखा है क्या, जो फंडिंग आते थे आदिवासियों के लिए, विकास के लिए, वो लैप्स होते थे, क्या ये बात सही है और इस पर क्या करेंगे आप? देखो, 5 साल में युति का गवर्नमेंट है, यहाँ के पालक मंत्री विष्णु सावरा थे, पालक मंत्री होते हुए वो आदिवासी विकास मंत्री थे। और आपने सही बात उठाई, ये पालघर जिला आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ आदिवासी बहुत रहते हैं, और उन्हें जो मैनेजमेंट करना चाहिए था फंडिंग का, डेवलपमेंट का, वो नहीं किया। लैप्सेस पे इंक्वायरी करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि करोड़ों का लैप्स है। सही बात है आपकी, ये मुझे भी सुनने में आया है, तो अभी विधिमंडल में जाऊँगा तो खुद भी आदिवासी होते हुए तो मैं तो प्रश्न जरूर उठाऊँगा, क्यों लैप्स हुआ, कैसे लैप्स हुआ, किधर गया पैसा, क्यों गया? जो आदिवासी का हक है तो उनको खर्चा होना चाहिए, वो प्राइवेट पर्सनल डेवलपमेंट में हो या सोशल डेवलपमेंट में, लेकिन पैसा वहाँ ही खर्चा होना चाहिए, तो बाजू क्यों गया? कुपोषण जैसा गंभीर विषय पे सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने इसके अनदेखा किया है, और जैसा शिक्षण के ऊपर, शिक्षा के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये दोनों मुद्दे पे आप क्या किस तरह से गौर करेंगे? देखो, कुपोषण का मुद्दा आज नहीं है, बहुत सालों से है, लेकिन उसका जो समस्या है उसे जड़ तक जाना चाहिए। लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को शिक्षित होना चाहिए, स्वयं रोजगार उनको मिलना चाहिए। अगर वो खुद कमाएंगे तो किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहेंगे? और एक दुखदायक बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये मुंबई अपना राजधानी, आर्थिक राजधानी, वहाँ से ठाणे जिला, पालघर जिला 100-150 किलोमीटर से नज़दीक है, और यहाँ से देश की बात करते हैं विकास की, तो यहाँ नज़दीक आदिवासी कुपोषित बालक यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो ठोस उपाय योजना होनी चाहिए ना, वो नहीं कर पा रहे। जो अनाज उनको मिलता है खावटी का, जिसको बोलता है, वो 10 साल मतलब 3 साल से तो मिला नहीं उनको, वो कर्जे के स्वरूप से देते। मैं एक परसों कलेक्टर से बात किया, इतना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है तो उनको हर साल दे दो ना, क्यों भूखमरी से मरेंगे लोग? 50-100 करोड़ का ही तो बात है, आदिवासी कितना है? 10 करोड़ में से 1 करोड़ तो खाली महाराष्ट्र में, तो जो दरिद्र रेखा के नीचे रहने वाले जो भी है, तो उनको अनाज जो खाने का मेन समस्या है,
जो पॉवर्टी लाइन के बीच नीचे रहते हैं, तो पॉवर्टी लाइन का जो मर्यादा है वैल्यू वो भी बढ़ाना चाहिए, और उनको जो नहीं अनाज मिल रहा है खास करके बारिश के दिन में उनको काम नहीं रहता है, तो उनको 10 किलो या 50 किलो या 100 किलो दे दो तो 4-5 महीना ढंग से खा पाएंगे, तो वो कुपोषण से कोई क्यों मरेगा, वो बात सोचनी चाहिए। थैंक यू सर। ये थे राजेश पाटिल साहब जिनका कहना है कि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। कुपोषण पे निपटाने के लिए बहुत सारा उन्होंने आइडियाज़ भी दिए है, और हो सकता है कि सरकार उसके पे गौर करेंगे और विधिमंडल में भी वो आवाज़ उठाने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने मानी कि यहाँ पर जो आदिवासी विकास के लिए फंडिंग आया था 1 करोड़ रुपया, वो कहीं तो लैप्स हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उसकी इंक्वायरी विधिमंडल से करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा एक जो मैसेज है यहाँ पर आदिवासी समाज को जाने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये जो गलियारा है, ये जो रास्ता है बोईसर विधानसभा क्षेत्र का, ये जाता है संसद के लिए, यानी संसद का रास्ता यहीं से जाने वाला है। आपको बता दें कि पिछली बार जो भी चुनाव हुए थे, सांसद के चुनाव हुए थे, उसके अंदर 1 लाख तक का वोट से कमी थी, यानी बहुजन विकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है 1 लाख मतों से कम था। तो अभी ये है कि बोईसर विधानसभा में वो लोग -26 थे, -26,000 में थे, और बाकी जो ये पट्टा है इन्होंने एक बात ये भी कही कि अभी जो बहुजन जो महाआघाड़ी है, महाआघाड़ी के 5 विधायक आए हैं, महाआघाड़ी के 5 विधायक आने से एक तो है कि विक्रमगढ़ यहाँ पर सेफ हो गया है, ढानू यहाँ पर सेफ हुआ है, और इनको सबसे ज़्यादा अगर गौर करना है तो ये बोईसर का ये जो पट्टा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करना है। आने वाले दिनों में हो ये भी हो सकता है कि इनका अगर इन्होंने काम कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया, विकास कर दिया, तो उम्मीद है कि 2024 में इनका सांसद बन सकता है। कैमरामैन कुडू के साथ एम जाकिर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय भीम, आपका इस विशेष एपिसोड में स्वागत है। हमारे साथ है खास मेहमान राजेश पाटिल, जो बोईसर विधानसभा से चुनकर आए। हाल ही में जो चुनाव हुए थे इसमें राजेश पाटिल ने अच्छी जीत हासिल की, और ये खास तौर पर बोईसर विधानसभा क्षेत्र ये सांसद की दिल्ली के सांसद की दहलीज तक पहुंचता हुआ रास्ता है, इसलिए इनके ऊपर खास जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए कि यहाँ से उनको जो लीड जो मिला था, जो युति के खासदार को मिला था, वो कम करना है। सर, किस तरह की जिम्मेदारी आप पे है और कैसे निभाएंगे आप? देखो, लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में रह के वो काम करना है। पानी है, रास्ते है, हमारे यहाँ के कारपोरेटर है बहुत अच्छी तरह से काम करे, उन्होंने सब प्रोग्राम में महानगर पालिका प्रोग्राम में सब काम रखे है, और अभी मैं आ गया हूँ तो उनके साथ में और ताकत बढ़ेगी, और हमारे नेतृत्व तो भक्कम है हितेंद्र ठाकुर, तो उनको तो कहना है कि तुम अभी चुन के दो, वहाँ का जितना भी बन सके अच्छा विकास तुम करो, जितना पैसा चाहिए यहाँ से ले लो, तुम लेके आओ। और हम लोग 3 नहीं 5 आमदार है पालघर में से महागाड़ी के, तो अभी हमारा भी ताकत बढ़ गया है, तो DPTC है तो वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे, वहाँ भी अच्छा फंड्स आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ के लिए लाऊँगा, और जो क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। नए लोग हैं, हर प्रदेश से लोग यहाँ रहते हैं, और उनको सुविधा तो चाहिए। बात है नेताओं की, बहुजन विकास आघाड़ी में 2 चेहरा है जो हर बार कैनवेसिंग करते रहते हैं, एक राजू पाटिल है और एक हितेन ठाकुर MLA है, तो आपको नहीं लगता कि ग्रास रूट के और भी नेता तैयार होने, कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए? क्योंकि खामी एक ही है तुम्हारे में कि ग्रास रूट का कुछ नहीं कार्यकर्ता, तो ग्रास रूट को कैसा करेंगे? देखो, नेता तो वही है हमारे, बाकी हम तो कार्यकर्ता है, और इतने कार्यकर्ता है बहुजन विकास आघाड़ी में आप गिनती भी नहीं पार कर पाएंगे, सब कार्यकर्ता ही है, तो नेता बनेंगे तो फिर काम कौन करेगा? तो नेता हो दो ही हमारे है, बाकी मैं हूँ, भले मैं आज आमदार हूँ लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ। कोई भी पार्टी मजबूत होती है ग्रास रूट कार्यकर्ता से, नेताओं से नहीं होती, तो आप ग्रास रूट के कार्यकर्ता कैसे मजबूत करेंगे? देखो, मैं खुद मजबूत हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और क्या चाहिए आपको? तो मेरे साथ में जितने भी जुड़े, बोले तो नगर सभा के सभापति है, हमारे वार्ड के अध्यक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी के, वो सब ग्रास रूट के कार्यकर्ता है, तो आपको किसने बोला नेता? नेता तो दो ही है, बाकी हम कार्यकर्ता हैं। सर, अभी ऐसा है कि तो आपका जो बहुल इलाका है वो आदिवासी बहुल इलाका है, और पिछले हमने ऐसा देखा है क्या, जो फंडिंग आते थे आदिवासियों के लिए विकास के लिए वो लैप्स होते थे, क्या ये बात सही है, और इस पर क्या करेंगे आप? देखो, 5 साल में युति का गवर्नमेंट है, यहाँ के पालक मंत्री विष्णु सावरा थे, पालक मंत्री होते हुए वो आदिवासी विकास मंत्री थे,
और आपने सही बात उठाई, ये पालघर जिला आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ आदिवासी बहुत रहते हैं, और उन्हें जो मैनेजमेंट करना चाहिए था फंडिंग का, डेवलपमेंट का, वो नहीं किया। लैप्सेस पे इंक्वायरी करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि करोड़ों का लैप्स है। सही बात है आपकी, ये मुझे भी सुनने में आया है, तो अभी विधिमंडल में जाऊँगा तो खुद भी आदिवासी होते हुए तो मैं तो प्रश्न जरूर उठाऊँगा, क्यों लैप्स हुआ, कैसे लैप्स हुआ, किधर गया पैसा, क्यों गया। जो आदिवासी का हक है तो उनको खर्चा होना चाहिए, वो प्राइवेट पर्सनल डेवलपमेंट में हो या सोशल डेवलपमेंट में, लेकिन पैसा वहाँ ही खर्चा होना चाहिए, तो बाजू क्यों गया। कुपोषण जैसा गंभीर विषय पे सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने इसके अनदेखा किया है, और जैसा शिक्षण के ऊपर, शिक्षा के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये दोनों मुद्दे पे आप क्या किस तरह से गौर करेंगे? देखो, कुपोषण का मुद्दा आज नहीं है, बहुत सालों से है, लेकिन उसका जो समस्या है उसे जड़ तक जाना चाहिए। लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को शिक्षित होना चाहिए, स्वयं रोजगार उनको मिलना चाहिए। अगर वो खुद कमाएंगे तो किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहेंगे। और एक दुखदायक बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये मुंबई अपना राजधानी, आर्थिक राजधानी, वहाँ से ठाणे जिला, पालघर जिला 100-150 किलोमीटर से नज़दीक है, और यहाँ से देश की बात करते हैं विकास की, तो यहाँ नज़दीक आदिवासी कुपोषित बालक वहाँ यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो ठोस उपाय योजना होनी चाहिए ना, वो नहीं कर पा रहे। जो अनाज उनको मिलता है, खावटी का जिसको बोलता है, वो 10 साल मतलब 3 साल से तो मिला नहीं उनको, वो कर्जे के स्वरूप से देते। मैं एक परसों कलेक्टर से बात किया, इतना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है तो उनको हर साल दे दो ना, क्यों भूखमरी से मरेंगे लोग। 50-100 करोड़ का ही तो बात है, आदिवासी कितना है, 10 करोड़ में से 1 करोड़ तो खाली महाराष्ट्र में, तो जो दरिद्र रेखा के नीचे रहने वाले जो भी है, तो उनको अनाज जो खाने का मेन समस्या है, जो पॉवर्टी लाइन के बीच नीचे रहते हैं, तो पॉवर्टी लाइन का जो मर्यादा है, वैल्यू, वो बढ़ाना चाहिए। और उनको जो नहीं अनाज मिल रहा है, खास करके बारिश के दिन में उनको काम नहीं रहता है, तो उनको 10 किलो या 50 किलो या 100 किलो दे दो, तो 4-5 महीना ढंग से खा पाएंगे, तो वो कुपोषण से कोई कोई मरेगा, वो बात सोचनी चाहिए। थैंक यू सर। ये थे राजेश पाटिल साहब, जिनका कहना है कि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। कुपोषण पे निपटाने के लिए बहुत सारा उन्होंने आइडियाज़ भी दिए हैं, और हो सकता है कि सरकार उसके पे गौर करेंगे और विधिमंडल में भी वो आवाज़ उठाने वाले हैं। दूसरी बात, उन्होंने मानी कि यहाँ पर जो आदिवासी विकास के लिए फंडिंग आया था 1 करोड़ रुपया, वो कहीं तो लैप्स हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उसकी इंक्वायरी विधिमंडल से करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा एक जो मैसेज है यहाँ पर आदिवासी समाज को जाने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये जो गलियारा है, ये जो रास्ता है बोईसर विधानसभा क्षेत्र का, ये जाता है संसद के लिए, यानी संसद का रास्ता यहीं से जाने वाला है। आपको बता दें कि पिछली बार जो भी चुनाव हुए थे, संसद के चुनाव हुए थे, उसके अंदर 1 लाख तक का वोट से कमी थी, यानी बहुजन विकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है 1 लाख मतों से कम था। तो अभी ये है कि बोईसर विधानसभा में वो लोग -26 थे, -26,000 में थे, और बाकी जो ये पट्टा है, इन्होंने एक बात ये भी कही कि अभी जो बहुजन जो महाआघाड़ी है, महाआघाड़ी के 5 विधायक आए ले, महाआघाड़ी के 5 विधायक आने से एक तो है कि विक्रमगढ़ यहाँ पर सेफ हो गया है, ढानू यहाँ पर सेफ हुआ है, और इनको सबसे ज़्यादा अगर गौर करना है तो ये बोईसर का ये जो पट्टा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करना है। आने वाले दिनों में हो ये भी हो सकता है कि इनका अगर इन्होंने काम कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया, विकास कर दिया, तो उम्मीद है कि 2024 में इनका सांसद बन सकता है। कैमरामैन कुडू के साथ एम जाकिर।